साकार नामक कंपनी संचालित की जा रही थी, पिंकी देवी, पवन तकाया और दो तीन अन्य लोगों के द्वारा। और यहाँ से इन लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। और ये लोग, पीड़ित लोग जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पैसे ये वापस लौटा नहीं रहा था। मैंने इनसे संपर्क किया, चार पाँच पाँच बार, छः बार, सात सात बार संपर्क किया, दे दूंगा, लेकिन अभी आज दिन आज तक नहीं दिए। इनकी छः महीने साल भर पहले SP को भी कंप्लेंट की थी, वहाँ से भी इनके खिलाफ़ रिपोर्ट हुई थी, लेकिन क्या हुआ, इसने स्टाम्प 500 रुपये स्टाम्प में लिखा के दिया मैं सबको पैसे दे दूंगा, लेकिन आज दिनांक तक इसने पैसे नहीं दिए। कल दिनांक ये लोग बाग गए थे उसके वहाँ पर ऑफिस में, तो वो सामान लेके भाग रहा था, तो इस दौरान ये लोग आए, तो आज इसकी कंप्लेंट कलेक्टर थाने में करवा रहे हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की कई कंपनियाँ चलती है, उन पर भी जाँच करें, उन पर भी रोक लगाएं, ताकि ऐसे गरीब मजदूर लोग फंसे नहीं, उनके पैसे लूटने से बच जाए। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है जीवन निधि सरकार लिमिटेड। करीबन कितना पैसा? करोड़ों का मामला है ये, करोड़ों का मामला है। कितने जने हैं इसमें? इसमें का हजारों लोग पीड़ित हैं, और ये विजयनगर के, विजयनगर रहते हैं शायद ये कंपनी का संचालक। क्या नाम है संचालक? संचालक है पिंक पवन कुमार तगाया, पवन कुमार तगाया। और इसका सुपुत्र है मुरलीधर तगाया, मुरलीधर तगाया। और इसकी इसकी पत्नी है, क्या नाम उसका? अध्यापक है ये, सरकारी कर्मचारी ही बताते हैं ये। तो अभी हम तो ये चाहते हैं कि इन गरीबों को पैसा मिल जाए, बस यही चाह, हम तो पब्लिक का पैसा मिल जाए। इसमें मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, वकील साहब अंदर गए हुए हैं, अभी मुकदमा दर्ज हो रहा है। बाबूलाल साहू राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पब्लिक लिमिटेड नाम से कंपनी आई थी 3 साल पहले अजमेर में, तो काफ़ी लोग हम एजेंट बने उसके अंदर, हम एजेंट के रूप में काम करते थे इसके लिए। और कुछ समय आज कम से कम जनवरी 2018 से ये कंपनी लोगों को पैसा नहीं दे रही है, जो पैसा मैच्योर हो चुका है उसको, पैसे को टालम टोल किया जा रहा है, और हमसे समय मांगा जा रहा है। और हमने इनको 1 से 1.5 साल समय दिया। जो डायरेक्टर साहब हैं पवन कुमार तगाया, वो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी शिक्षक हैं, और इनके द्वारा ये कंपनी स्थापित की गई थी। इसके इनके साथ इनका सुपुत्र है मुरलीधर तगाया, इनकी पत्नी प्रेमलता, और इनके एक सहायक हैं पिंकी देवी। ये 5-6 जने मिलकर के डायरेक्टर के रूप में कंपनी चला रहे थे। पहले इनका ऑफिस जो था 9 नंबर पेट्रोल पंप पे था, और बाद में इन्होंने यहाँ पर केसरगंज शिफ्ट कर लिया। केसरगंज में जो ब्रांच मैनेजर साहब थे वो भी अभी वहाँ बैठते हैं, लेकिन अभी वहाँ पर हमें कोई, जब हम वहाँ पे पैसे के लिए जाते हैं तो हमें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं कल दे दिया जाएगा, परसों दे दिया जाएगा, 4 दिन बाद दे दिया जाएगा, महीने 1 तारीख को दे दिया जाएगा, 5 तारीख को, 10 तारीख, इस तरह से तारीखें हमें दी जा रही है। परेशान होकर के हमें कल रात को हमें सूचना मिली कि संबंधित जो डायरेक्टर साहब हैं वो गाड़ी में सारा जो ऑफिस का सामान भर करके लेके जा रहे हैं। हम 15-20 एजेंट वहाँ पर पहुँचे और हमने उनको सामान ले जाने से रोका, और इस तरह से हमने कल, उसके बाद हम यहाँ पर आज यहाँ पर थाने पे आए हैं और रिपोर्ट दर्ज हमने करा दी है। ये सर कम से कम 2.5 से 3 करोड़ का मामला है वैसे, और इससे ऊपर भी हो सकता है। इसमें सर कम से कम वैसे तो हमारी जो पार्टियाँ हजारों के रूप में जुड़ी हुई है, हजारों निवेशक हैं, उसके अलावा जो एजेंट हैं हम लोग हैं ही वो सब। संचालक का नाम क्या है जी? संचालक का नाम क्या? संचालक जी का नाम है पवन कुमार तगाया। मुकदमा दर्ज करा दिया? जी मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरा नाम प्रवीण कुमार है।